Hey guys, welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी 6 बेस्ट वीडियो एडिटिंग एप्स जिससे आप बिना लैपटॉप के अपने मोबाइल फोन से बेस्ट क्वालिटी के वीडियो को एडिट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले 23 जून के विनर का अनाउंसमेंट होगा। दोस्तों, मैंने आपसे 23 जून को एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में मोबाइल फोन सेवा का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो है 1994। बहुत लोग ने इसका आंसर जो है 1995 दिया था। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि 31 जुलाई 1995 को मोबाइल नेट सर्विस की शुरुआत हुई थी। और मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि मोबाइल सेवा का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो 1994 है। और आज के जो विनर हैं आज का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो के बीच में है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप। दोस्तों, अब हम सबसे पहले देखते हैं फ्री वीडियो एडिटिंग एप्स जिसमें आपको वाटरमार्क की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये बहुत ही कम एमबी के हैं, जिसको आप अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर से बहुत ही इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्लॉगिट के बारे में। ये स्पेशली जो है यूट्यूबर्स के लिए बना हुआ है, जिसमें आप इजीली वीडियो को एडिट कर सकते हो, म्यूजिक डाल सकते हो और बहुत सारे एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्ले स्टोर में जाओगे और वहाँ पे टाइप कर लोगे व्लॉगिट और इसको इंस्टॉल कर लोगे और वहाँ से ओपन कर लोगे। तो एक्सप्लोर एज अ गेस्ट भी इसमें दिया हुआ है। व्लॉगिट जो है ओपन हो चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, फ्रॉम कैमरा और फ्रॉम लाइब्रेरी। अगर आपके पास वीडियो पहले से ही आपके मोबाइल फोन पे है तो आप चूज करेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी, और आपके पास अगर वीडियो नहीं है और उसकी रिकॉर्डिंग करके आप एडिटिंग करना चाहते हैं तब आप क्लिक करेंगे फ्रॉम कैमरा पर। मैं फ्रॉम लाइब्रेरी को चूज कर लेती हूँ और उसके बाद अब क्या करूँगी, कोई से भी वीडियो को चूज कर लेती हूँ एडिट करने के लिए। हमारा जो वीडियो है ये फ्रंट में आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि टेक्स्ट, स्टिकर लगा सकते हो, ऑडियो मीन्स अपने वीडियो में आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, और अगर आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट डालनी है या वीडियो को फिल्टर करनी है तो ये सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ टेक्स्ट करना। टेक्स्ट को आप ऐड कर सकते हो। कोई से भी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर टैप टू ऐड टेक्स्ट को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे राइट साइन दी हुई है, उस पर क्लिक कर लेंगे तो ऐसे जो है हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा। फिर से राइट पर क्लिक कर लेंगे और अब यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो वीडियो के बीच में शो होना है कि फ्रंट में शो होना है या फिर लास्ट में शो होना है। ठीक है, तो आपका मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो है फ्रंट में शो किया है और राइट पर क्लिक कर लूँगी। वीडियो में स्टिकर, ऑडियो और ट्रांजिशन कैसे देना है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले स्टिकर लेते हैं हम, ऐसे आप स्टिकर ले सकते हो और आप इस स्टिकर को अपने वीडियो में कहीं पर भी सेट कर सकते हो। अब अगर आपको म्यूज़िक सेट करनी है अपनी वीडियो में तो आप क्या करेंगे, ऑडियो में जाएंगे और एडजस्ट कर लेंगे पहले आप अपनी वीडियो को और म्यूज़िक में जाएंगे, ऐड कर लेंगे तो आपका जो ऑडियो है वो सेट हो चुका है आपकी वीडियो में। राइट पर क्लिक कर लेंगे। अब मैं वीडियो को प्ले करके आप लोग को दिखाती हूँ। अब आपको दो वीडियो के बीच में अगर एनिमेशन ऐड करना है तो आप क्या करोगे, ट्रांजिशन में जाएंगे और यहाँ से कोई से भी एनिमेशन को सेट कर लेंगे। आपका जो एनिमेशन है वो दो वीडियो के बीच में ज्वाइन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई वीडियो में एडिट करनी हो तो आप पर्टिकुलर कोई वीडियो को एडिट करने के लिए क्या करेंगे, वीडियो को क्लिक कर लेंगे और एडिट पर जाएंगे। अगर आपको वीडियो को ट्रिम करना हो, रोटेट करना हो या डिलीट करना हो या तो फिर क्रॉप करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ट्रिम करने के लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो को एडजस्ट यहां से करना होगा
और फिर राइट क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद अगर आपको रोटेट करना हो तो आप यहाँ से ईजिली रोटेट कर सकते हैं, और अगर आपको क्रॉप करना हो तो क्रॉप भी कर सकते हो बहुत ही ईजिली इसमें। अगर आपको वीडियो को फिल्टर करनी हो, फिल्टर करना है, तो यहाँ से आप फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी को भी चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देखा दोस्तों आपने, इसमें बहुत ही ईजिली अपने वीडियो को एडिट किया जा सकता है। इसके अलावा जो है आप वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब और एक्शन डायरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको वाटरमार्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये जो है बहुत ही कम एमबी का है और इसके जो यूज़र्स भी हैं बहुत ज़्यादा हैं और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। तो आप जो है इन तीनों में से कोई से भी एडिटर को यूज़ करके आप अपने वीडियो को एडिट कर पाएंगे और इसमें जो है वाटरमार्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले आज का एक क्वेश्चन, इंटरनेट की खोज जो है किसने की थी, इसका जो आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम देखते हैं फिल्मोरा गो ऐप, ये भी बहुत ही अच्छा है। ये 37 MB का है, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, आपके वीडियो बनाने के बाद क्या होता है, ये वाटरमार्क अटैच हो जाता है आपके वीडियो में। मैं करके बता देती हूँ आप लोग को। सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेती हूँ कोई से भी एक को, और वीडियो को ट्रिम कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए मुझे, और ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट में जाती हूँ। और यहाँ से आप, जैसे कि मैंने लॉग इट में बताया था, ट्रांजिशन और म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं कोई से भी। और अब मैं वीडियो को सेव करके बताती हूँ कि वाटरमार्क क्या होता है। अब आप देखेंगे, देखिए फिल्मोरा गो करके शो हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मोस्टली लोग जो हैं वो फ्री ऐप को प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा जो है काइनमास्टर और पावर डायरेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हो, पर उसमें भी ऐसा होता है कि वाटरमार्क जो है आपकी वीडियो में शो होता है। तो लास्ट में एक और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, व्लॉगिट, वीडियो मेकर फॉर यूट्यूब और एक्शन डायरेक्टर जो हैं, ये तीन जो हैं वो फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप हैं। इसमें जो है वीडियो एडिट करने के बाद जो है वाटरमार्क नहीं आते, और बाकी के जो तीन हैं काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर और फिल्मोरा गो, ये भी कम स्पेस के ही हैं और इसमें भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के बीच में क्या होता है, वाटरमार्क ऐड हो जाता है। तो आप जो है दोनों ही टाइप के वीडियो एडिटर को आप प्रेफर कर सकते हो और ईजिली जो है यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।